दिल्ली के इंडिया गेट पे जामिया में छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, उसके विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के तमाम बड़े नेता आज इंडिया गेट पे बैठे हैं। अगले दो घंटे उन छात्रों के सॉलिडेरिटी में ये तमाम लोग बैठेंगे। इसमें गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, गौरव गोगोई, पीएल पुनिया समेत एके एंटनी, कई ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो यहाँ इंडिया गेट पे सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और इनके हाथों में जो कटआउट से आप देख सकते हैं, लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी दो, युवा छात्रों पे हमला बंद करो, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो कटआउट्स लिखे हुए हैं। तो साफ तौर पे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की वो यहाँ पे पहुँची है इंडिया गेट पे, और सीधे तौर पे कोशिश ये है कि चाहे वो जामिया में हो या उत्तर पूर्व के राज्यों में, जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है और उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज इंडिया गेट पे पहुंचे हैं, और उसकी अगुवाई खुद प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस की महासचिव हैं, वो कर रही हैं। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।